तो कल हमने डिस्कशन ये किया था कि आईपी वर्जन 4 की क्लासेस कितनी होती हैं, उनकी मास क्या होते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलके बना है, नेटवर्क की बिट से और होस्ट की बिट से मिलके बना है। एंडिंग प्रोसेस में बताया था कि वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और दोनों के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेगा, जो आउटपुट आएगी वो नेटवर्क आईडी होगी। यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। उसके आगे का आप डिस्कशन करें। तीन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक टर्म होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बराबर है नाम के, जैसे आपका और मेरा नाम है। अगर किसी का नाम मालूम हो तो हम उसके घर जा सकते हैं क्या? इसका मतलब हमारे पास उसका पता भी होना चाहिए। पते का नाम है, को कहा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी। सॉरी, नेटवर्क आईडी, क्योंकि कल कल निकाली है। नेटवर्क आईडी पता है। अब अगर मान लेते हैं कि ये किसी का घर है, ये किसी का घर है जिससे मिलना है, वो इस घर के अंदर है। ये तीन चार लोग हैं जो इसके घर जाना चाहते हैं। इसका नाम ये है, इसके घर का पता ये है, और ये लोग जो है इसके बुलाने पर, किसी दावतनामे पर, ये सारे लोग जो है बाहर जाके यहाँ खड़े हो जाते हैं इसके दरवाजे पे। तो आपके पास इसका नाम भी है, इसके घर का ये पता भी था, दैट्स वाई आप यहाँ पहुँच गए हैं। तो क्या इस बंदे को मालूम चल जाएगा कि आप लोग बाहर खड़े हैं, इसके घर में टेलीफोन नहीं है, इसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है? जी, कैसे पता लगेगा इसको? है ही नहीं, बैक डोर बेल भी नहीं, बिजली भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं, कैसे पता लगेगा आप बाहर खड़े हो? देखो, ये तो बिजली कनेक्शन तो 50 साल से आ गए, टेलीफोन 95 से आ गए। आपसे नहीं पूछ रहा, आप पढ़ चुके हैं, मैं ग्लास के बाहर कर दूँ। दो शर्तें हैं, नई कॉपी और खामोश रहना रिवाइज करने के। जी भाई, हाँ गेट, हाँ तो बोलना शुरू करो ना यार, जब बोलोगे नहीं तो क्या जिंदगी में पाओगे यार? तो इसको क्या करेंगे, नॉक करेंगे, यानी कोई आवाज जाएगी, खटखटाएंगे। तो आवाज का जो टर्म है यहाँ पे वो है ब्रॉडकास्ट आईडी। हमने अभी तक केवल इसके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में पढ़ा है। कल हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो आईपी एड्रेस है, जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कुछ आता है, और जो ये नेटवर्क आईडी निकल कर नीचे आई है वो किसकी वैल्यू है? वो इसकी वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, जहाँ तक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये, और एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया, इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है कि सेम ही है? आंखें खोल कर देखो, जहाँ यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यानी क्लास सी के अंदर 24 बिट में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे तो पता लग ही नहीं सकता कि ये क्या है।
क्योंकि ये नाम है और ये पता है, इससे पता ही नहीं लग रहा हमारे को, मालूम नहीं चल रहा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस करने के लिए सिर्फ हमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ये वाली वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है। इससे डायग्नोज किया जा सकता है कि कौन नाम है और कौन पता है। बात समझ में आ गई? इन तीनों चीज़ों को अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसको नोट करें पहले। इन चीज़ों में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगली स्लाइड पर देखेंगे। जो चीज समझना है हाथ पे हाथ पता करना। हाँ, आवाज जो आप नॉक कर रहे हो, एक साउंड आ रही है। साउंड का नाम ब्रॉडकास्ट आईडी है। एड्रेस जो है पता है। ये आपके पास साउंड है, ये एड्रेस है और ये नाम है। हर एक चीज़ जो बोर्ड पे बनाई जाए वो कॉपी पे उतरी हुई होनी चाहिए। बाकी वीडियो किस तरीके से सुने जाएंगे, कल आपने पता कर लिया होगा, समझ ना आया वो आज फिर पता कर लें सर से। बार बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। पिछली स्लाइड पे फोकस करें कि केवल ये चीज डिफरेंट है, इतना जो है कॉमन पार्ट है, ये और ये, इसकी दोनों की शक्लें सेम है। जितने 10 यहाँ पर है उतनी 10 यहाँ पर है। क्लास हाँ जी, क्लास सी की बात की जा रही है, बाकी क्लास भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इतना जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, ये नेटवर्क का है, और ये वाला किसका पोर्शन है, होस्ट का है। तो होस्ट के पोर्शन से ये पता लग रहा है कि कौन आईपी है और कौन पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेटवर्क आईडी में, यहाँ पे सारी बिट क्या है होस्ट की, नेटवर्क आईडी में होस्ट की सारी बिट क्या है, 0 है, और आईपी एड्रेस वाले में कुछ बिट 0 है, कुछ 1 है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 254 भी रखते हैं तो ये सारी 1 हो जाएंगी, सिवाय इस वाली के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन आंसर तो फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 1 की गुणा 0 से या 0 की गुणा 0 से आंसर तो वही आना है। तो कुछ भी नंबर रख दिया जाए यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए कि एक नंबर है 199 1917 19, दूसरा नंबर है 199 1917 0, तीसरा नंबर है 199 1917 और 255, और ये कहा जाए कि इन तीनों में पता करो कौन क्या है, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी क्लास कौन सी है। तो हमें ये पता लग गया पहले वाले ऑक्टेट से कि भाई इसकी जो क्लास है वो क्लास सी है। क्लास सी का बाय डिफॉल्ट जो मास्क है, कल ये बताया था, अगर ना भी लें तो मास्क क्या लेती है, डिवाइस ये लेती है।
क्लास सी का बाई डिफॉल्ट मास क्या है? दूसरे नंबर पे हम मास के यहाँ पे नोट कर लें, यानी 255, 255, 255.0। तीसरे पार्ट में हर एक आईपी में दो हिस्से हैं, नेटवर्क का और होस्ट का। तो जो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, इसमें कितने ऑक्टेट हैं? हर एक में चार ऑक्टेट हैं। तो नेटवर्क के जो ऑक्टेट हैं कितने हैं, कैसे पता लगेगा? जहाँ जहाँ पर 255 है वो नेटवर्क है। इसका मतलब दिए हुए नंबर के अंदर जो नेटवर्क के ऑक्टेट्स हैं वो है 199, 1917। ये नेटवर्क का हिस्सा है, नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क की फील्ड है, नेटवर्क का पोर्शन है, नेटवर्क के ऑक्टेट है। तीनों में नेटवर्क का हिस्सा कितना है, ये है। चौथी चीज, जो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो देखना है। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 255 है। चूंकि 0 वाली फील्ड किसके लिए है? होस्ट के लिए है। तो एक जगह 19 नजर आती है, एक जगह 0, एक जगह 255 नजर आती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलो सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पांच ही सीट। अब कंपटीशन तो हर एक जगह है, बहुत मसला है अब भी है। हाँ मैं अपने आपको फीस फीस लिस्ट भी दे दिया, इसलिए फीस भी अच्छी खासी। तो जो भी क्लास है वो पहले ऑक्टेट से डिफाइन हो जाएगी। पहला ऑक्टेट ये बता रहा है क्लास सी है। तो क्लास सी का जो डिफॉल्ट मास्क है कल देखा था, वो मास्क क्या करता है, ये मास्क ले लेता है। अब मास्किंग में पहला ऑक्टेट 255 है, यानी ये ऑक्टेट। दूसरा ऑक्टेट 255, यानी ये ऑक्टेट। तीसरा ऑक्टेट 255, यानी ये ऑक्टेट। तो ये ऑक्टेट किसके हो गए? नेटवर्क के हो गए। और जो 0 है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? होस्ट को। तो ये लास्ट वाला जो बचा है किसके लिए? ये सारा होस्ट के लिए। तो एक जगह होस्ट 19 है, एक जगह 0 है, एक जगह 255 है। तो जब तक हम नेटवर्क पोर्शन तो कांस्टेंट है, जब तक होस्ट पोर्शन को कन्वर्ट नहीं करेंगे बाइनरी में, हमें पता नहीं लगेगा कि इस होल नंबर को क्या बोलें और इसको क्या बोलें। तो क्या करने का है कि कन्वर्ट करने का है 19 को बाइनरी में। 0 ये 128 की बिट, ये 64 की बिट, ये 32 की बिट, ये 16। 16 में तीन और जोड़ेंगे, 2 और 1, ये 19 हो गया। 0 का मतलब सारे बिट 0 हो गए, और 255 का मतलब हो गया सारे बिट 1 हो गए। तो अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 है या 1 है, सारी अगर 1 है, ऑल 1s है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे? ब्रॉडकास्ट आईडी। ये हो गई आवाज, यानी जब एक मशीन दूसरे को आवाज देगी तो उसकी लैंग्वेज ये होगी, क्योंकि वो बात भी किसमें करती है? नंबर में करती है। उसका घर भी नंबर सिस्टम में, तो हर एक चीज नंबर सिस्टम में होगी। अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट, क्योंकि होस्ट पोर्शन की बात की जा रही है, ऑल जीरोज हैं, होस्ट के सारे क्या हो? ऑल जीरो हो, तो ये पूरा नंबर। यही तो निकाला था कल, यही तो निकाला था। तो ये नंबर क्या होगा? नेटवर्क आईडी होगा, यानी घर होगा। और अगर पोस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, चाहे 1 0 हो चाहे 1 ही 1 हो, होना चाहिए 8 बिट में से 0 एंड 1 होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, तो ये आपके पास आईपी एड्रेस है, यानी ये नाम है। तो अगर किसी मशीन का नाम ये है तो उसका घर ये होगा, और अगर कोई मशीन 20 होती तो भी उसका घर यही होता। पीछे हमने देखा, कुछ भी अगर हम कर दें वहाँ पे, जो पीछे
नंबर कल दिया गया था उसमें अगर यहाँ पे 20 कर दिया जाए तो ये 16 और ये 4 20 हो जाएगा, तब भी इसका घर तो यही रहेगा। अगर ये 21 हो जाए तब भी यही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक मशीन का नाम 19 हो, एक मशीन का नाम 20 हो, तो दोनों का घर कहाँ पर है? यही है। और अगर 19 वाली मशीन जो है किसी 20 वाली मशीन को पुकारेगी तो आवाज़ कैसे देगी? ऐसे ये आवाज़ देने का तरीका होगा। नोट करें। हाँ, आज गए नहीं क्योंकि आज प्रोग्राम चेंज हो गया, कल इंशाल्लाह सुबह 9:30 गए। हाँ वो आज जो है आ नहीं पाए, कुछ काम था, दुआ कर देखते हैं। हाँ उनका कुछ काम था, आज वो आ नहीं पाए, ठीक है कल कल देखते हैं। ठीक है, अल्लाह। हो गया भाई, ठीक नोट हो गया सबका। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट बनाए ताकि ये बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े। क्लास सी के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है। क्लास सी की रेंज कहाँ शुरू होती है? 192 से 223 तक, पहला ऑपरेट। अच्छा, जो मास्किंग हमने कल लिखी थी इसको हम /8 भी बोल सकते हैं क्योंकि 8 बिट यहाँ पे नेटवर्क की है। इसको /16 बोल सकते हैं क्योंकि 8 बिट ये हैं और 8 ये हैं, 16 हो गए। इसको कितना बोल सकते हैं? 24। नोट करें, मॉडिफाई करें कॉपी में जाकर।
यहाँ पे अगर क्लास सी का नंबर हो, मास्किंग कितनी हो, 24 हो, यानी 255, 255, 255 डॉट क्या हो, 0 हो, तो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट 0। ऐसे फॉर्मेट को, ऐसे पैटर्न को क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट 1, इसको बोलेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी। एक्स वाई जेड ये कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई जेड डॉट 254 को बोलेंगे लास्ट वैलिड आईपी, यानी आखिरी आईपी एड्रेस, यानी इस घर में आखिरी, इस घर का पहला। और एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट 255, ये बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, और यहां से यहां तक कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज। क्या कहलाती है? वैलिड आईपी की रेंज कहलाती है। अब इसको यूज करना सीखें। फॉर एग्जांपल, किसी ने इंटरव्यू में एक नंबर दिया और ये कहा कि विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर, क्या करूं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस नंबर का जो ये पहला ऑक्टेट है, क्या ये इसमें आता है, इस रेंज में आता है कि नहीं आता है, 192 से 223 में आता है, आता है। अगर ये आता है तो एक्स की जगह पर 212 रख दें, वाई की जगह पर 19 रख दें और जेड की जगह पर 82 रख दें। आपका सारा आंसर निकल गया, आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो आप वैल्यू को पुट करती है, अगर मैं एक्स की जगह 212 रख दूं, वाई की जगह कितना रखना है 19, जेड की जगह कितना रखना है 82 डॉट 0। इस नंबर की नेटवर्क आईडी निकल आई। आपको जो इतना तामझाम करना पड़ रहा था बाइनरी में कन्वर्ट करो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आप किस आंसर पे आ गए, नीचे वाले आंसर पे, अंदर तो वही होना इंटरनली, तो आप इस सारी चीजों से बच गए, इंटरनल वैसे ही हो रहा है। पहला आईपी एड्रेस जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मशीनों में, आखिरी आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस। तो हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ इतना पता हो कि कोई नंबर दे रखा है तो अगर वो क्लास सी से बिलोंग करता है तो ये फॉर्मेट तो भाई हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये फॉर्मेट याद है तो, अगर ये क्लास सी का है तो पहला ऑक्टेट एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। इक्वेशन पुट करना 5वीं 6ठी क्लास में एनसीईआरटी किताब में होता है, उन वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया, हमें ये सारे के सारे आंसर मिल गए जो हमने वहां देखे थे। ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ये हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, ये हमारा लास्ट वैलिड आईपी हो गया। नोट करें, ये सब शॉर्टकट हो गया, इंटरनल प्रोसीजर वही है जो बताया गया है। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसा नहीं है कि उतार लिया और आ गए।
हो गया। अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर नंबर इसकी जगह पे ये हो जाता और मैं ये कहता जी इसकी नेटवर्क आईडी बताओ, तो क्या होती? नंबर 212.10.82.5, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होती? हाँ जी, हाँ, तो क्या क्या नेटवर्क आईडी होती है? नाइनटीन क्यों हो गई? नाइनटीन क्यों जी भाई, इतना ही फर्क होने, और तो कोई फर्क नहीं होना, सब जगह ये हो जाता। अगर यहाँ पे 12 कर दिया जाता तो ये 12 हो जाता, तो हमारा जो पैटर्न है ये एक डिफॉल्ट पैटर्न बन गया है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी चेंज हो, हमारा ये जो पैटर्न है ये फिक्स है। अब इसमें आप वो देख चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, सारी बिट जीरो। अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो तो नंबर नेटवर्क आईडी, अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट वन हो तो ब्रॉडकास्ट आईडी, और कुछ जीरो हो और कुछ वन हो तो यहाँ पे जीरो एंड वन है, और यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, नोट करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चला जाएगा कि हाँ, कोई सा भी हो कॉम्बिनेशन रहेगा। अब अगर यहाँ पे दो हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ दो हो जाएगा। अगर ये तीन हो जाए तो ये तीन हो जाएगा। अगर ये चार होता तो ये वाली वन होती, ये जीरो हो जाता, ठीक है ना? इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? डैश डैश लगा के 254 तक जाएगा। सेम पैटर्न क्लास बी के लिए। क्लास बी का नंबर कहाँ शुरू होता है? 128 से 191। मास्किंग कितनी होगी? 16 बिट। तो इसका एक पैटर्न बनाया गया, एक्स डॉट वाई डॉट 0.0, ये क्या होगा? नेटवर्क आईडी। एक्स डॉट वाई डॉट 0.1, इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है। एक्स वाई जेड जो है कांस्टेंट है। एक्स डॉट वाई 255.254, ये लास्ट वैलिड आईपी कहलाएगा, और एक्स डॉट वाई 255 और 255 ये बीआईडी कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज कहलाएगी। अब अगर किसी ने एक नंबर दे दिया 179 189 6.7, तो जी इस नंबर के रेस्पेक्ट में बताओ कि नेटवर्क आईडी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट वैलिड क्या होगा? तो आपने क्या करना है, पहला नंबर देखना है। क्या ये क्लास बी में आता है? आंसर इज यस। तो एक्स बराबर 179 रख दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, और वाई बराबर 189 रख दीजिए। सारा आंसर आपके सामने आ जाए, कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बन गई नेटवर्क आईडी? 179 189 0.0। फर्स्ट वैलिड क्या बन गया? 179 189 0.1। लास्ट वैलिड क्या बन गया? 179 189 255
डॉट 254, क्योंकि हमें तो एक्स वाई की वैल्यू रखनी ना, 179, 189, 255, डॉट 255 नोट करें। कोई चीज टफ नहीं है, सब आएंगी, टाइम लगाओगे तो आएंगे, बिना टाइम के कुछ नहीं आएगा। चले आगे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया कि 169, 1.0.255 ये नंबर दिया, और मैं ये पूछूं कि ये नंबर क्या है, नेटवर्क आईडी है, फर्स्ट वैलिड है, लास्ट वैलिड है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, बताओ। हाँ जी, चेक करो, सब पैटर्न लिखा हुआ है, क्या तरीका बताया। जब भी कोई नंबर हो वो क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये नंबर जो दे रखा है ये फर्स्ट वैलिड है या लास्ट वैलिड है या नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, क्या है, या इसके अलावा कुछ और है। नेटवर्क आईडी कैसे हो गई, नेटवर्क आईडी कैसे हो गई भाई, 1 1 6। अरे तो 169 यहाँ रखोगे एक्स की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो नेटवर्क आईडी तो ये बनी ना, ये तो वही नेटवर्क आईडी भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे, वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनी, 169 1, ये ब्रॉडकास्ट बनी। तो ना तो ये नंबर नेटवर्क आईडी है ना ब्रॉडकास्ट आईडी है। जब नेटवर्क आईडी नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं है, तो फिर क्या है, फिर वैलिड ही आईपी है। कैसे पता लगा वैलिड आईपी है। अब ये जो नंबर आप लेंगे यहाँ पे, होस्ट के पोर्ट पार्ट कितना है, अब इस जीरो का मतलब क्या है, सारे जीरो, और इसका मतलब क्या, सारे वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 जो बिट हैं उसकी, उसमें से कुछ जीरो हैं कुछ वन है, तो क्या होगा, वैलिड आईपी। कुछ जीरो हैं कुछ वन है, तो क्या होगा, वैलिड आईपी। नेटवर्क आईडी में सारे ही जीरो होते हैं, नेटवर्क आईडी में सारे ही जीरो होते हैं ना, इसका मतलब भी जीरो 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 है, और इसका मतलब भी क्या, जीरो जीरो जीरो, सारी बिट क्या जीरो है, और इसका मतलब भी सारे वन है, इसका मतलब भी सारे वन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये क्या है, वैलिड आईपी एड्रेस है। ऐसी मान लो और कोई नंबर दिया हमने, 170 2.3.0,
क्या ये नंबर नेटवर्क आईडी है या वैलिड आईपी है? आराम से सोच के बताओ, ध्यान से देखो, ये नेटवर्क आईडी है या वैलिड आईपी एड्रेस है? जी वैलिड आईपी एड्रेस है, क्योंकि नेटवर्क आईडी होता तो यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है, ये वैल्यू किसकी एक्स की है, ये वैल्यू कितनी वाई की है। अब ये जो वैल्यू बची है इसमें 3.0 है। 3 का मतलब क्या है? 0 0 0 0 0 0 1 1, और इसका मतलब क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0। तो होस्ट के अंदर 16 बिट में से कुछ जीरो है कुछ वन है, इसका मतलब वैलिड आईपी एड्रेस है। अगर सारी जीरो होती तो एनआईडी होता, तो अगर सारी जीरो होती तो नेटवर्क आईडी क्या बनता है इसका? ये नेटवर्क आईडी बना। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनता? 170.2 255 255। बात समझ में आ रही है? वेलकम टू दी क्लास ए। एक से लेके 126 मास्किंग कितनी होगी? 8 बिट। एक्स डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो क्या बोलेंगे इसको? नेटवर्क आईडी। एक्स कॉमन रहेगा, 0.0.1 ये कहलाएगा फर्स्ट वैलिड आईपी। एक्स डॉट, बड़े फोन आ रहे हैं भाई तुम लोग, क्या हो गया? बंद ही कर दो उसको, और इम्पोर्टेंट है तो क्लास के बाहर जाकर अटेंड कर लो। लास्ट वैलिड आईपी और एक्स डॉट 255 ये वीआईडी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? वैलिड आईपी की रेंज हो गई। तो अब किसी ने नंबर दे दिया आपको 10 11 12 13, तो कौन सी क्लास का नंबर है? ए का। यहाँ से पता लगा तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 10। तो नेटवर्क आईडी क्या निकली बताओ? टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो फर्स्ट वैलिड क्या हो गया? ये हो गया। लास्ट वैलिड क्या हो गया? 10 255 255 254, और बी आई डी क्या हो गया? 255 255 255 नोट करें। हो गया। अगर मान लो किसी ने ये लिख दिया 122.1.0.255, क्या ये ब्रॉडकास्ट आईडी है या वैलिड आईपी एड्रेस है? क्यों? रीजन? हम्म,
क्योंकि यहाँ पे होस्ट की दो ऑक्टेट हैं, इस जीरो को कन्वर्ट करेंगे तो 0000, और यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो 1111, तो यहाँ पे 16, और ये होस्ट की, ये भी आपके पास, ये भी वो होस्ट की है, ये क्या हो गया आपके पास 0000001, तो होस्ट के अंदर कुछ बिट जीरो है कुछ वन है, 24 बिट में से कुछ जीरो है कुछ वन है, तो वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगा, सारी जीरो होती है तो एनआईडी होता, तो इसकी एनआईडी क्या होती है 1220.0.0.0, और बीआईडी क्या होती है 1222.255.255.255, ये बीआईडी हो जाती है। क्लियर है, चलें आगे। अब चलते हैं कि हर क्लास में कितने नेटवर्क आईडी होंगे और कितने वैलिड आईपी एड्रेस होंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए, क्लास ए में टोटल नेटवर्क आईडी कितनी होंगी और कितने वैलिड आईपी एड्रेस होंगे। तो क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेके 126 होती है पहले ऑक्टेट में, और सेकंड थर्ड ऑक्टेट क्या होता है 0 से लेके 255 होता है। स्टेप नंबर टू में जो मास्क है वो 255.0.0.0 होगा। ये 255 बताता है कि नेटवर्क का ये वाला हिस्सा है, और ये जीरो बताता है होस्ट का हिस्सा है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, और ये भी होस्ट है। स्टेप नंबर थ्री में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जब निकालेंगे तो पहला ऑक्टेट का क्या लेंगे 1, दूसरे ऑक्टेट का 0 होना चाहिए, तीसरे का भी 0, चौथे का भी 0, तभी तो नेटवर्क आईडी बनेगी। होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए तभी एनआईडी होगा। अब एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2.0.0.0 ये भी एनआईडी होगी। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3.0.0.0 ये भी एनआईडी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो ये एक कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 26 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 126 कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बने, 126 एनआईडीज बने। चौथे में नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एनआईडी फार्मूला होगा 2 की पावर n-2, और n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट, और 2 का मतलब होता है, -2 का मतलब है 1 NID एंड 1 BID। एक नंबर एनआईडी में निकल जाएगा और एक नंबर कहाँ निकल जाएगा, एक नंबर ये निकल जाएगा टोटल में से, और एक नंबर क्या निकल जाएगा, बीआईडी का निकल जाएगा, बाकी बचेंगे वो वैलिड आईपी की रेंज होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, होस्ट की बिट कितनी है, 8 और 8 16 और 8 24, यानी 2 की पावर 24, जो भी आएगा उसमें से -2 कर देंगे, इतने वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएंगे। पांचवा स्टेप, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए 126 की गुणा कर दें, चूंकि एक नेटवर्क में इतने, 126 में कितने होंगे, ये हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे बात समझ में आ गई, एक नेटवर्क में इतने हैं, 1 रुपए के 4 आम हैं तो 4 रुपए कितने होंगे, गुणा ही करोगे ना। एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेस हैं पर एनआईडी, एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेस हैं तो 126 एनआईडी हैं। इसको ऐसे मान के चल लें कि क्लास ए का मतलब है ये सेक्टर ए है, इसका मतलब सेक्टर ए में इतने प्लॉट हैं, और इसका मतलब इतने लोग रहते हैं, इतने पर्सन रहते हैं किसके अंदर, एक प्लॉट के अंदर।
तो एक प्लॉट में कितने लोग रहते हैं, इतने टोटल प्लॉट कितने, इतने तो सारे आदमी कितने हो गए, इतने नोट करें। चलें आगे क्लास बी की तरफ चलिए। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपी इन क्लास बी, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लास बी की रेंज 128 से 191 पहले ऑपरेट में, सेकंड 0 से लेके 255, फिर 0 से लेके 255, फिर 0 से लेके 255 सेकंड ऑपरेट में,
सेकंड स्टेप में जीरो, ये 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, 0.0। जहाँ जहाँ पर 255 है वो नेटवर्क का ऑपरेट है, और जहाँ पर ये जीरो है ये होस्ट है और ये होस्ट है। तीसरे स्टेप में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जब निकालेंगे तो यहाँ से निकलेंगे 64 कॉम्बिनेशन, क्योंकि 128, 129, 130 यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और यहाँ बनेंगे 256 कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हो जाएंगी 64 × 256। चौथे ऑक्टेट में, चौथे स्टेप में नंबर ऑफ वैलिड आईपीस पर एन आईडी, फार्मूला वही है 2 की पावर n-2। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ होस्ट बिट, पता अच्छा अच्छा बैठो जी, इधर कर लो चेयर को, ऊपर वाले पे रख लो, आ जाइए। तो चमकेगा यहाँ से, है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा जी 2 की पावर n-2। 2 की पावर n कितना है? यहाँ पे होस्ट की बिट कितनी थी? 8 और 8 16 और 8 कितना था? 24। और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी होस्ट की बिट? 8 और 8 16, तो 2 की पावर 16-2 हो जाएगा। पांचवें स्टेप में क्या होगा? टोटल वैलिड आईपी इन क्लास, इसके अंदर कौन सी क्लास है? बी। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी कितनी थी? कितनी थी? 64 × 256 से ये तो नेटवर्क आईडी आ गई, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 की पावर 16-2 से, जो भी आंसर आएगा नोट करो। हाँ जी, क्या वैलिड तो ये पीछे हो गया ना आपके पास? एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और 2 का मतलब एक एनआईडी और एक बीआईडी। तो क्लास बी में जो पहले किया था ये एनआईडी हो गई, ये बीआईडी निकल गई, ये दो चीजें निकल गई। बाकी ये जो वैल्यू बचेगी वैलिड आईपी, ये कितना बचेगा? 16 − 2 की और 16 − 2। नोट करें, एक सौ अट्ठाईस से लेके यहां तक काउंटिंग करो कितना आएगा, है कितना कितना आएगा? 128 से 191 तक 64 नंबर आएंगे। 128, 129, 130, यहाँ कितने आएंगे? 256 आएंगे। 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 256 आएंगे। तो मैथमेटिक्स का रूल है, क्या रूल है मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का रूल ये है कि अगर कोई एक ब्रैकेट है उसमें ए लिखा हुआ है, दूसरी ब्रैकेट है उसमें बी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए गुणा, यही होगा ना, और क्या होगा? आप कहाँ से आए हो भाई? क्या नाम है आपका? सचिन। अच्छा, कहाँ से आए आप? तो मेरा काफी बुरा अच्छा, कहाँ लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं पर पे? बीसीएस में काम करता हूँ, बीसीएस में काम ये कहाँ पर? अच्छा साकेत। अच्छा, वहाँ से मेट्रो पकड़ी होगी फिर। किसने भेजा आपको यहाँ पे? हाँ जी सर आमिर बोल ऐसे याद नहीं है, बहुत से स्टूडेंट हो गए शक्ल दिखाओगे तो याद है ऐसे तो याद नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं? मैंने बीटेक किया था, वो मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। हाँ अच्छा, चेंज करना है तो चेंज कितना करना टाइम है, हो गया? अच्छा, मैंने सर 16 का पास आउट था, 12 था। हाँ 5-6 साल हो गए। लेकिन उससे पहले मैं किंग्स टावर में काम करता था, वहाँ पे सिस्को राउटर और सारी छोड़ क्यों दिया? अच्छा, वैसे यहाँ सोते ही सर मतलब कुछ। हाँ देखो जी, मेहनत तो हर एक जगह करनी है। अब दिक्कत यह है कि बस कहावत है ना, दूसरी की बीवी हर एक को अच्छी लगती है,
वही सारी स्टोरी खराब है। सर हुआ क्या था कि मेरे एक दो ना गवर्नमेंट के पेपर निकल गए थे, एक हाँ आध हफ्ते से पढ़ाई कर रहा था, उसके चलते मैंने कुछ छोड़ दी थी। गलती कर दी, क्योंकि बड़ा मसला है आज की डेट में सारी चीजों का। बंदा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में भी जाता है तो उसको अच्छा खासा टाइम मिलता है, ठीक है ना, बहुत फ्री टाइम है। तो बंदे को खाली टाइम में ये ना सोच के जी अब तो जिंदगी भर यही हो गया, उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कब नौकरी पे लात पड़ेगी कुछ पता नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, है जी। आप कुछ पता नहीं कि रातों रात जो कंपनी ज्वाइन की थी अगले दिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो कुछ पता नहीं है। कोविड जब आया तो उन लोगों की जॉब चली गई जिनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए होती थी, है कितने सपने बनाए होंगे, कितना उधार खाता उन्होंने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि आदत है ना हमारी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे, घर इंस्टॉलमेंट पे, सारी चीजों पर। तो मुसीबत हो गई एक सारी खड़ी हो गई। जमाल साहब माइक बंद कर लिया करो या क्लास ज्वाइन मत किया करो। सर तो माइक अभी क्या मैंने ऑन, मैं कहना चाह रहा था कि आपके पास एनवाईसी इंस्टीट्यूट पे सभी अक्सर रेफरेंस ही आते हैं। वो तो ये सवाल थोड़ी है यार, ये सवाल तो बाद में पूछने का है, बस इसके नहीं क्लास चल रही है। नोट तो कर नहीं रहोगे तुम, घर बैठे हो। नहीं सर कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ बाकायदा। आपने कहा था ना 4-5 मरतबा पढ़ना, तो मैं करता हूँ नोट। क्या करें, ब्रीफ तो मैं सर कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा सारा। पहली क्लास जो अटेंड कल की हुई है आज दूसरी क्लास है, इनका भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कल का भी हुआ है और आज का भी चल रहा है। तो क्लास के बाद ये जो है उसमें क्लाउड में पड़ जाएगा, कैसे क्रेडेंशियल बनेंगे वो आमिर सर से आप बनवा लीजिए। रात में दोनों वीडियो कॉपी पे नोट कीजिए, पूरे के पूरे A to Z समझ आता हो कि ना, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ये सवाल कल पूछिए, तो ये भी पूछने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जिस क्लास को 3 घंटे हो गए वो 3-4 मिनट में तो एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। ये नोट हो गया। नाउ कम टू दी सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे किसके लिए, सर नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपी। कौन सी क्लास के लिए, इन क्लास हाँ सी के लिए, ए तो कर लिया, बी भी कर लिया, सी के लिए। तो यहाँ पे ये पढ़ाया जा चुका है कि पहला जो ऑक्टेट है क्लास सी में 192 से कहाँ तक होगा, 223 तक होगा, और सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 255 तक लाई करेगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका मास्क लिखेंगे, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लास सी का मास्क क्या होता है, 3 बार 255.0। तो ना पहला स्टेप नया है ना दूसरा, ये सारे पुराने हैं। 255 क्या बताता है, नेटवर्क को, तो पहला ऑक्टेट नेटवर्क का, दूसरा भी नेटवर्क का और तीसरा भी नेटवर्क का, चौथा ऑक्टेट होस्ट का। अब तीसरे स्टेप में 2 बार डिस्कशन हो चुका है, तीसरी बार कर रहे हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज टोटल कितनी होंगी। तो यहाँ पे कितने ऑक्टेट हैं, 3। पहले ऑक्टेट में 32 कॉम्बिनेशन होंगे 192 से अगर काउंट करेंगे 223 तक, दूसरे में 256 कॉम्बिनेशन आएंगे, तीसरे में फिर 256 कॉम्बिनेशन आएंगे, तो A.B.C हो गया, यानी 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, इतने क्या बनेंगे नेटवर्क, यानी इतने प्लॉट हैं सेक्टर ए के अंदर, इतने क्या प्लॉट हैं, और हर घर हर प्लॉट में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी, क्या फार्मूला होगा, 2 की पावर n-2। एन का मतलब क्या है, वही नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है, और 2 का मतलब क्या है, एक NID और एक BID निकल जाएगा। जैसे क्लास सी के अंदर ये NID निकल जाएगा
और ये VID निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे, एक से लेके 224 तक 254 लोग होंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेम कंडीशन आ गई कि यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2। तो 8 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 256 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 254 हो गया। तो एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, 254 लोग रह रहे हैं। घर कितने हैं, 32 गुणा 256 गुणा 256। इसलिए टोटल वैलिड IP कितने हो जाएंगे इन क्लास सी के अंदर, 32 गुणा 256 गुणा 256, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 8 माइनस 2 से या 254 से, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही, नोट कर लें। मैथमेटिक्स से पूरा इसमें तो सारा कैलकुलेशन कर लें, नोट करें, नमाज का टाइम हो जाएगा। हो गया, कोई सवाल किसी का है तो बाकी क्लास नमाज के बाद होगी, 7:35। तक के लिए क्लास का ब्रेक है, नमाज पढ़ने के बाद क्लास करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है सबनेटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ बाहर का दरवाजा बंद कर देना, डिवीजन ऑफ क्लासफुल नेटवर्क ID इनटू स्मॉलर
नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम मास्क. दूसरा पॉइंट ये है, स्मॉलर नेटवर्क आईडी नोन एज सबनेट आईडी. तीसरा पॉइंट ये है, मास्क ऑफ सबनेट आईडी नोन एज सबनेट मास्क. अब इन तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करो. डिवीजन ऑफ, यहां तक तो कोई बताने की जरूरत नहीं है. क्लास फुल एन आईडी क्या होता है? पीछे हमने तीन क्लासेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी जो नेटवर्किंग में होती हैं, क्लास ए, बी और सी. अगर ऐसा हो कि कोई नंबर क्लास ए का हो, जैसे कि 10.0.0.0, ये क्या है? नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस है. नेटवर्क आईडी है, होस्ट की सारी बिट क्या है? जीरो है, क्योंकि नेटवर्क का ऑक्टेट क्या है? पहला है, बाकी तीन ऑक्टेट जीरो है. अगर क्लास सी का कोई नंबर हो और वो नेटवर्क आईडी हो और उसकी मास्किंग क्या हो, 8 बिट हो, क्लास ए का नंबर हो, पूरा नंबर नेटवर्क आईडी हो, मास्किंग 8 बिट हो, ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? क्लास फुल नेटवर्क आईडी. किसकी? क्लास ए की. सिमिलरली क्लास बी का नंबर हो कोई, भी क्लास बी का है, और इसके अंदर ये होस्ट की बिट हैं जो सारी की सारी जीरो हैं, यानी पूरा नंबर क्या है? नेटवर्क आईडी है. तो क्लास बी के अंदर दो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, लेफ्ट वाले, और दो होस्ट के हैं, और इसकी मास्किंग अगर 16 हो, तो क्लास बी का अगर नंबर हो, नेटवर्क आईडी भी हो, मास्किंग 16 हो, तो ये भी क्या हो गई? क्लास फुल एन आईडी हो गई. किसकी? क्लास बी की. सिमिलरली क्लास सी, क्लास सी का कोई सा भी नंबर हो और वो नंबर नेटवर्क आईडी हो, ये नेटवर्क की बिट है, होस्ट की सारी बिट के हैं, जीरो हैं, और उसकी मास्किंग कितनी हो? 24 हो, तो भी क्या कहलाएगी? क्लास फुल एन आईडी. तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये क्या है? क्लास फुल एन आईडी है. अब क्या कहा जा रहा है कि डिवाइड किया जाए किसको? क्लास फुल एन आईडी को, यानी इनको तोड़ा जाए इनटू स्मॉलर पार्ट में, और हर एक पार्ट क्या बने? नेटवर्क आईडी बने. यानी किसी बड़ी चीज को तोड़ते हुए बने. आपके हाथ में पेन है, अगर तोड़ देंगे कितने पेन बनेंगे? हैं, कितने बनेंगे? लिखेगा कोई? तो फायदा क्या होगा? ऐसा कोई एग्जांपल दो जो तोड़ने के बाद भी काम करता हो कोई चीज. पेंसिल, रबर, पेपर का टुकड़ा. हाँ जी. तो ये कहता है कि भाई डिवाइड करो किसी क्लास फुल एनआईटी को इनटू स्मॉलर में, बट वो भी क्या हो? एनआईटी हो, वो इनहेरिट करती हो अपनी इस प्रॉपर्टी को. अब नेटवर्क आईडी में क्या क्या होता था पीछे अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले. जो भी नेटवर्क आईडी होती है उसकी एक बीआईडी भी होती है, उसके अंदर पहला वैलिड भी होता है और लास्ट वैलिड भी होता है. किसी भी क्लास में देख लो जाके, क्लास ए में भी यही हाल था, क्लास बी के अंदर भी यही हाल था. नेटवर्क आईडी भी है, बीआईडी भी है, फर्स्ट वैलिड भी है, लास्ट वैलिड भी है. क्लास सी में भी यही था, नेटवर्क आईडी, बीआईडी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड. तो ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी नेटवर्क को छोटी नेटवर्क में डिवाइड करोगे तो वो भी क्या बनती हो? नेटवर्क आईडी ही बनती हो, छोटी नेटवर्क आईडी. सेम मास्क, सेम मास्क का मतलब है कि उनका साइज सेम हो. यानी किसी बड़ी चीज के छोटे टुकड़े करो तो जब वो दो बने तो दोनों बराबर हो, चार बने तो वो भी बराबर हो. यानी जितने टुकड़े किए जाए, हर एक टुकड़ा क्या हो? बराबर हो, और हर एक टुकड़ा वही काम करता हो जो पहला वाला करता है. फिर आगे बताया गया कि जो स्मॉलर एन आई डी होगी उसको क्या बोलेंगे? सब नेट आई डी. यानी सब प्लस नेट आई डी, नेटवर्क आई डी का टुकड़ा, सब माने टुकड़ा. हाँ जी. और फिर ये कहा गया कि जो उसका मास्क होगा उसके मास्क को सबनेट मास्क बोलेंगे. जो सबनेट आईडी का मास्क, एक तो मास्क होता है, इसका मास्क कितना है? 8, इसका 8 16, इसका 24. ये जो मास्क हैं
ये सारे के सारे डिफॉल्ट मास्क हैं, ये सबनेट मास्क नहीं है। हम गलती से इसको सबनेट मास्क बोलते हैं, क्योंकि चलन चला आ रहा है, एक रीति रिवाज चला आ रहा है जो कि गलत है। ये सारे के सारे क्या हैं जो पीछे लिखे गए, ये सब डिफॉल्ट मास्क हैं। बट अफसोस ये है कि जब आप पीसी में जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद शेयरिंग सेंटर में जाते हैं और यहाँ पे जब आईपी एड्रेस डालते हैं, तो उस वाली विंडो में डिफॉल्ट मास्क लिखा हुआ नजर नहीं आता। क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ? तो सबनेटिंग कहाँ की है अभी मैंने? अभी तो मैंने सबनेटिंग की नहीं। अगर मैं कोई सा भी नंबर डालता हूँ क्लास ए का, कोई भी मैंने नंबर डाला है यहाँ पे, यहाँ जो आया तो आपको दिखाई दे रहा है भाई ये सबनेट मास्क है। तो सबनेटिंग करोगे तो उसके मास्क को क्या बोलोगे? तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है गलत है। अब चाहे बिल गेट ने लिखा हो या किसी ने भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे ऑब्लिक लगा देना चाहिए और यहाँ लिख देना चाहिए डिफॉल्ट ऑब्लिक सबनेट मास्क, तो ठीक हो गया। दोनों चीजें इसी फील्ड में आ जाएंगी, क्योंकि सबनेट मास्क ही 32 बिट का होगा और ये भी होगा। या ये काम करना चाहिए कि यहाँ पर एक फील्ड और बनानी चाहिए डिफॉल्ट मास्क की, यहाँ पे एक फील्ड और बनानी चाहिए किसकी? डिफॉल्ट मास्क की। यहाँ पे लिखा हो कि क्लास सी का जो डिफॉल्ट मास्क है वो 255.0.0.0 है, लेकिन उसका सबनेट मास्क जो हम यूज कर रहे हैं वो ये जो हम चेंज कर रहे हैं बाकी सबनेटिंग के अंदर। तो अगर इसी को हमने सबनेट मास्क बोल दिया, सबनेट मास्क क्या बता रहा है? स्पेस। यहाँ पे कितना स्पेस बता रहा है? 2 की पावर 24 - 2, चूंकि ये वाला तो फिक्स है। तो ये जो है डिफॉल्ट मास्क है, ये सबनेट मास्क नहीं है, ये सबनेट मास्क नहीं है, ये डिफॉल्ट मास्क है। जब सबनेटिंग करेंगे उसका जो मास्क आएगा उसके मास्क को क्या बोलेंगे? सबनेट मास्क बोलेंगे। तो पहले इसको नोट करें कैसे सबनेटिंग करेंगे। 9 स्टेप के अंदर सबनेटिंग होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी इंडस्ट्री बिना सबनेटिंग के नहीं चलती है, नोट करें इसको पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इसका। अभी हमारे पास 20-25 मिनट मौजूद है। चलें भाई एक सवाल नोट करें।
क्वेश्चन कैलकुलेट फॉर फोर सबनेट आईडी, यानी क्या करना है, चार टुकड़े करने हैं, चार डिवीजन करना है किसके, गिवन क्लास फुल एनआईडी के, गिवन क्लास फुल एनआईडी है फॉर एग्जांपल 199 10 20 0 स्लैश 24, इसके कितने करने, चार डिवीजन करने हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये क्लास सी का नंबर है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन किसका है, होस्ट का, और इस जीरो का मतलब क्या है, जीरो से लेके 255, क्योंकि हर एक ऑक्टेट जीरो से लेके 255 है, तो इसके अंदर यहां से यहां तक कितना स्पेस हो गया, 200, यानी आपके पास ऐसे मान के चलने 256 मीटर जगह है, कितने टुकड़े करने, एक टुकड़ा कितने मीटर का आएगा, ये भाई 256 को 4 से डिवाइड कर दो, 64 मीटर का एक टुकड़ा आ जाएगा, ठीक, यही डिस्क आगे डिवीजन करना है, तो कैलकुलेट करना है फोर सबनेट को, फोर सबनेट के अंदर क्लास फुल एनआईडी ये है, ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज फॉर ईच सबनेट आईडी, यानी चार टुकड़े करने हैं, टोटल कितने मीटर जगह है, 256 मीटर, चार टुकड़े करने, हर एक टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, हर एक टुकड़ा कहाँ पे क्या होगा, एंड होगा, उसके अंदर पहली यूजेबल जगह कौन सी होगी, आखिरी भी यूजेबल जगह कौन सी होगी, और टोटल जगह कितनी होगी हर एक सबनेट आईडी के अंदर, नोट करें। इसको करने के लिए 9 स्टेप चाहिए और 25 मिनट का टाइम चाहिए, 20-25 मिनट टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने। एट्टी परसेंट लोगों को जो नेटवर्किंग में एग्जिस्ट करते हैं उनको आईपी एड्रेसिंग में सबनेटिंग नहीं आती है, काम तो चल ही रहा है, बिना इसके तो ट्रबल शूटिंग कर ही नहीं सकते आप। सॉल्यूशन क्लास सी की जब भी बात की जाएगी, क्लास सी का के अंदर कितने भी सबनेट पूछे जाएं और इसमें से कोई सा भी नंबर हो, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हमेशा सेम रहेगा। पहले स्टेप में क्लास सी का मास्क लिखेंगे, क्लास सी का मास्क 3 बार 255 है डॉट जीरो, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट मास्क, ये सबनेट मास्क नहीं है। स्टेप नंबर टू में 255 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बाइनरी के अंदर, तो 8 वन आ जाएंगे, यहां पर भी 8 वन आ जाएंगे और यहां पर भी 8 वन आ जाएंगे,
और एक जीरो की जगह पे कितने आ जाएंगे, 8 जीरो। याद रहे क्लास सी के किसी भी नंबर के लिए, कितने भी सबनेट के लिए, ना तो पहला स्टेप चेंज होना है ना दूसरा। ये नेटवर्क की बिट है जो कि 24 है, और ये 8 बिट हैं होस्ट की। नोट करें पहले, इतना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले और दूसरे स्टेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई सा भी नंबर हो क्लास सी का, कितने भी सबनेट पूछे गए हो, स्टेप वन और टू नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे मार्किंग की है वैसे वैसे करते चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि होमवर्क के लिए मैं 3 सवाल फिर आपको दूंगा। स्टेप नंबर 3 पे फोकस करना है, नंबर ऑफ सबनेट आईडीज। नंबर ऑफ सबनेट आईडी का फार्मूला है, इसको मान लीजिए क्या, एक्स फार्मूला है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक्स एन जो है गिवन है, एन है होल नंबर। होल नंबर पढ़े होंगे एनसीईआरटी की किताब में, 0 से शुरू होता है, 6ठी क्लास में शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक जाती है वैल्यू, अप टू दी इन्फिनिटी तक। हमें इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो 3-4 ऑक्टेट का ही मसला है। यहां पे हमने एक टेबल बना दी, सबनेट कैलकुलेशन टेबल। यहां पे हमने एक टेबल बना दी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, और एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले से। अब अगर इस फार्मूले में 2 की पावर n पे 0 रखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पीछे वाले लोग, पुराने वाला लोग कोई नहीं बोलेगा। जी भाई और कोई बताएगा, 2 की पावर 0 रखा जाएगा तो आंसर क्या होगा? पढ़ के आए हो यार सर, अगर सब पढ़ कर आए हो तो इंजीनियरिंग क्या होता है, 11th 12th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। अच्छा 2 की पावर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैं? अच्छा ये भी 2 रहेगा, ऊपर वाला भी 2 रहेगा, तो फायदा क्या होगा? हाँ जी ये 1 होता है, 2 की पावर 2 रखेंगे कितना होगा, 3 पे कितना होगा, ये 3 पे कितना होगा, हैं? अरे बोलो यार, बच्चे थोड़ी रह गए यार, 3 बार गुणा हो रही है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यार, ये तो 3री क्लास का फार्मूला है। 6 कैसे हो जाएगा, 8 हो जाएगा यार, 2 की गुणा कितनी बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, कितना होगा यहाँ पे, 5 पे कितना होगा, अरे डबल होता चला जा रहा है, 2 4 8 16 32। 6 पे कितना हुआ, 7 पे कितना हुआ, 8 पे कितना हुआ, 256, डबल होता चला जा रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 4। एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए हमारे को, 4। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, एक्स की वैल्यू चाहे 4 हो जाए तो भी चलेगी, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाए तो भी चलेगी। यही यही मतलब है ना,
इक्वल टू और ग्रेटर देन, हमारे पास चार चाहिए हमारे को, चाहे कम ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, कम नहीं चाहिए। तो हमारी वैल्यू कहाँ पे फुलफिल हो रही है, यहाँ पे इस टेबल में कहाँ फिल हो रही है, एन की वैल्यू कितने रखने पे हमारा आंसर आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी रखने पे हमारा आंसर आ रहा है, इस पर हमारा आंसर अचीव हो रहा है। यानी एन की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, पूरी हो गई। अगर मान लो कोई ये कहता हमें 25 सबनेट बनाने हैं तो रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती, कोई ये कहता 25 सबनेट बनाने हैं तो इस टेबल में रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है, 2 की पावर 5 के ऊपर। तो एन की वैल्यू हम क्या रखते, 5, और एक्स की वैल्यू क्या होती, 32, क्योंकि इससे कम में तो आ ही नहीं रहा ना आपके पास, ठीक है ना, इससे कम में तो 16 है। इसी तरीके से कोई ये कहता जी 50 सबनेट बनाने हैं तो एन की वैल्यू क्या रखते हम, एन की वैल्यू क्या रखते, 6, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 6 रखते तो एक्स की वैल्यू कितनी आती, 64। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है कि जो दूसरा स्टेप है, इस स्टेप को चौथे स्टेप में लिखना है, 24 बिट तो वैसी रखें जैसी थी, वो तो अनटच है, प्री डिफाइंड है, कितनी बिट यहां पे ऑन करनी है, 24 बिट के बाद 2 बिट, 2 बिट ही क्यों ऑन करनी है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 2 बिट पे पूरी हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने लिख दिया कि ये जो बिट ऑन किए हैं ये किसके वास्ते किए हैं, सब नेटवर्क बिट के वास्ते, सब नेटिंग के वास्ते की गई है 2 बिट ऑन। पहले से कितनी बिट है हमारे पास, 24 है नेटवर्क की, तो टोटल नेटवर्क की बिट कितनी हो गई, अब 24 ये और 2 ये, 26 हो गई, ये भी नेटवर्क की बिट है बट ये सब नेटवर्क के लिए ऑन की गई है। और होस्ट की कितनी बिट रह गई, 6। पहले इतना नोट करें उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया कि जितना सेकंड स्टेप में 24 बिट थी, ये तो 24 यूं की तू उतार दी, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या था कि एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी है, 4, तो ये वैल्यू कब मिली, 4, जब एन की वैल्यू हमने 2 रखी, तो हमने क्या किया कि 24 बिट के बाद 2 बिट ऑन कर दी। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ 5 बिट ऑन होती, तो जितनी एन की वैल्यू यहाँ पर आएगी इतनी बिट यहाँ पे ऑन कर दी जाएंगी, इसमें से होस्ट में से 2 बिट ऑन कर दी। अब होस्ट की कितनी बिट बची, पहले 8 थी अब कितनी बची, 6 बची, नोट करें, आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, पहला दिन है क्या आएगा, पहले दिन में। भैया इमरान के नाम से किसने लॉग इन किया है, हेलो नहीं। कौन से बैच जी के सर, लिए, मैंने किया जो 8 बजे से बैच है। 8 बजे के बाद अभी शुरू नहीं आया होगा, अभी थोड़ी देर, 10 मिनट के, मैंने किया था 8 बजे वाला, ये फ्रेंड का है, मैं ये मोबाइल निकाल, 10 मिनट के बाद लॉगिन, ये ऑफ रखे अपने आप।
हो गए जी, चले जाएंगे। हो गया। तो पांचवें स्टेप में जो चौथा स्टेप है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल डॉट में। तीन बार तो 255 वैसे ही आ जाएगा जैसे था, उसमें तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। इसका कन्वर्जन 255 255 255 हो गया। अब इसका कन्वर्जन कितना होगा, किसी ऑक्टेट के अंदर अगर दो बिट ऑन हो, ये कल पढ़ाया गया था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी पावर कितनी है, कल बताया था। इसकी कितनी है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जितनी बिट बने उसको जोड़ना है ना, कल तरीका बताया था। अब ये प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कुछ मसला हल नहीं हो सकता है, बार बार पीछे भागते रहेंगे। कल क्या बताया था, कोई भी बाइनरी की वैल्यू दे रखी है उसकी जो भी पावर होगी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि जोड़ने की प्रैक्टिस भाई आपने करनी है, बिना इसके तो कोई काम हो नहीं सकता। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 192। अब ये जो नंबर बन के आया इसको क्या बोलेंगे, ये है सबनेट मास्क, वो सबनेट मास्क नहीं था, ये सबनेट मास्क है। वो क्या था, डिफॉल्ट मास्क है, ये टुकड़े का मास्क है। जो चार टुकड़े आप कर रहे हैं ये हर एक टुकड़े का मास्क है। ये मास्क बताता है कि जगह कितनी है, 256 मीटर है। ये बता रहा है कि 256 मीटर के चार टुकड़े कर दिए गए तो उसका मास्क ये, तो हर एक टुकड़े की जो साइज है कितनी आएगी, वो कहलाएगा ब्लॉक साइज। चारों का मिला एक, पूरे ऑक्टेट का मिला के, इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 480 होती है, 16 होती है, 32 होती है, 64 होती है, 128 होती है। जो 1 होगा उसी की पावर जोड़ोगे। शॉर्टकट में आप ये लिख सकते हो अगर चाहें तो, अगर एक बिट ऑन करेंगे तो 128 होगा, अगर दो बिट ऑन कर दिए जाएं तो 192 होगा, अगर लेफ्ट टू राइट तीन बिट ऑन कर दिए जाएं तो 224 होगा, चार कर दिए जाएं तो 240 होगा, पांच बिट ऑन कर दिए जाएं तो 248 होगा, छह बिट ऑन कर दिए जाएं तो 252 होगा, सात ऑन कर दिए जाएं तो 254 होगा, और 8 कर दी जाए तो 255 होगा। ये आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ बिट्स की बात की जा रही है, ये नंबर ऑफ बिट्स की बात की जा रही है जो आपने यहाँ ऑन की। अगर यहाँ पे तीन बिट ऑन कर दी जाए तो 224, चार कर दी जाए तो 240, पांच कर दी जाए 248, छह पे 252, सात पे 254, आठ पे 255। अगर आठों बिट ऑन कर दी जाए, पावर जोड़ी जाए, 255 हो जाएगा। तो वो ऐसे याद कर लें, शॉर्टकट बना दिया। ब्लॉक साइज निकाल लें, ब्लॉक साइज निकाल लें क्या तरीका है, जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट है क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। जिसमें एसएनबी की बिट आपने ऑन की उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। 1200000, ये कहाँ से आया, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको कॉपी किया गया है कहाँ से,
फ्रॉम स्टेप नंबर फोर से, स्टेप नंबर फोर से इसको कॉपी किया गया है। अब इसमें एक बिट हमने ये ऑन किए लेफ्ट टू राइट, एक बिट हमने ऑन ये ऑन किए, ये कौन सी है, लास्ट बिट है जो हमने ऑन की है, ये लास्ट बिट है जो हमने टर्न ऑन की है। इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर वैल्यू कितनी होती है 64, तो 64 क्या हो गया, ब्लॉक साइज हो गया कौन से ऑक्टेट में, इन ऑक्टेट, कौन से ऑक्टेट के अंदर, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर। तो फोर्थ ऑक्टेट में ब्लॉक साइज आ गया 64, नोट करें। नहीं, अगर तीन बिट ऑन होती लेफ्ट टू राइट तो तीन बिट ऑन होती तो ब्लॉक साइज 32 हो जाता, चार बिट ऑन होती तो ब्लॉक साइज 16 हो जाता। पॉसिबल नहीं है, पहले सारे बिट ऑन ही होनी है, ऐसे कभी नहीं होगा कि ये हो गया फिर यहाँ ऑन हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। मास मास का एक पैटर्न है, पहले सारी बिट क्या होंगी, ऑन होंगी, बाकी सारी बाद में जीरो होंगी। तो जो बिट ऑन की गई है एसएनबी के अंदर, जो आखिरी बिट ऑन की गई है उसकी जो वैल्यू है वो ब्लॉक साइज होगी। जिसने बता दिया कि पूरा जो स्पेस है, चार जो टुकड़े हैं, हर एक टुकड़ा कितना होगा, 64 मीटर का होगा। हो गया नोट, तो शॉर्टकट है जो आपने याद करने हैं, ये शॉर्टकट है पीछे कैलकुलेशन का शॉर्टकट है, इसको पेपर पे बना के जहाँ सोते हैं बैठते हैं उठते हैं वहां पे बना के रख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, शॉर्टकट याद होंगे तभी वैल्यू जल्दी से निकलेगी। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, क्योंकि हर एक ऑक्टेट जीरो से शुरू हो रहा है। सेकंड सबनेट कहाँ से शुरू होगा, इस जीरो में जोड़ दो किसको, इस ब्लॉक साइज को। थर्ड सबनेट कहाँ से शुरू होगा, 64 में फिर 64 जोड़ दो 128। और फोर्थ कहाँ से शुरू होगा, 128 में 64 जोड़ दो 192। आपके पास जो जगह हो गई वो 0 मीटर से लेके 255 मीटर तक है, इसके चार टुकड़े कर दिए, पहला 0 से, फिर 64 से, फिर 128 से, ये 192 से, 64 मीटर का एक स्केल बना लिया। पूरी जमीन कितनी है, जीरो से लेके 255 तक, 64 मीटर का स्केल बना लिया, उसके बाद निशान लगा दिया, उसके बाद निशान लगा दिया, उसके बाद निशान लगा दिया, नोट कर।
पहला सब नेट कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा? जीरो वाला कहाँ लिखा? ये कहाँ लिखा? ये वाला कहाँ लिखा? फर्स्ट कहाँ लिखा? अच्छा ठीक है। अभी स्टेप नंबर एट, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। हर एक सबनेट में कितने आईपी होंगे? फार्मूला वही है, टू की पावर एन माइनस टू, लेकिन एन का मतलब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप फोर में। स्टेप फोर में कितनी बिट बची हैं? स्टेप फोर में हमने लिखा था 6 बिट बची है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कितना लिखें? 2 की पावर 6 माइनस 2, 64 माइनस 2 यानी 62 मीटर। 256 मीटर के चार टुकड़े होंगे, हर टुकड़ा 64 मीटर का होगा, और हर एक के अंदर वैलिड आईपी कितने होंगे? 62 होंगे। यानी एक प्लॉट की 256 मीटर था, उसके अंदर चार दुकानें बना ली गई, हर दुकान 64 मीटर की है बजाहिर देखने में, लेकिन यूजेबल स्पेस केवल 62 मीटर है, क्योंकि दो दीवारें भी खड़ी की हैं साइड बाय साइड। स्टेप नंबर 9 लास्ट स्टेप है, सबनेट आईडी रेंज। ये हमारा पहला सबनेट, यहाँ पे दूसरा सबनेट एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट यानी जो फोर्थ है। 199 तो कॉमन है, और कितना कॉमन है? 10 और 20 भी कॉमन है, यहां तक तो फिक्स्ड है। पहला सबनेट कहां शुरू हो रहा है? 0, 64, 128, 101, जो जहां से शुरू हो रहा है पहले सबके नंबर लिख दो। ये दूसरी दुकान शुरू हो रही है, दूसरा शॉप शुरू हो रही है, तीसरी शुरू हो रही है कहाँ से? 128 मीटर से। और चौथी कहाँ से शुरू हो रही है? 192 से। तो जो हैं ये दीवारें हैं जहाँ से शुरू हो रही है, ये इसकी नेटवर्क आईडी यानी सब नेटवर्क आईडी, सबनेट की नेटवर्क आईडी, ये दूसरे की नेटवर्क आईडी, दूसरी शॉप की एनआईडी, ये तीसरी शॉप की एनआईडी, और ये चौथे शॉप की एनआईडी। अब दूसरे की दीवार 64 मीटर पे कोई शुरू हो रही है तो आपकी कहाँ खत्म हो जाएगी? उससे पहले 63 पे खत्म हो जाएगी, 63। ये कहाँ पे खत्म हो जाएगी? 27 के ऊपर। ये कहाँ खत्म हो जाएगी? 191 के ऊपर। तो सिंपल से लॉजिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये सबनेट का क्या हो गया? बीआईडी यानी इस दुकान की आखिरी दीवार हो गई। ब्रॉडकास्ट आईडी, और इनके बीच में जो नंबर बचते हैं, इनके बीच में जो नंबर बचते हैं वो फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड हो गए। नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दो, ब्रॉडकास्ट आईडी से घटा दो, यूजेबल आईपी एड्रेस। फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, ये कितना हो गया? 65। ये कितना हो गया? 126। ये कितना हो गया? 129। ये कितना हो गया? 190। ये 193। ये 254 नोट करें, बाकी क्लास कल होगी।